हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपीज एट रैंडम। चलिए आज की रेसिपी ना केक और ब्राउनी लवर्स के लिए है, क्योंकि ये बनी है माइक्रोवेव में सिर्फ 2 मिनट में। कैन यू बिलीव, 2 मिनट में बनी है सिर्फ, और आपको इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आपके टीनेज बच्चे हैं तो वो 2 मिनट के में आपके लिए ब्राउनी बना सकते हैं। और ये रेसिपी इतनी आसान और टेस्टी है ना, किसे आप सेव करके रखेंगे और एवरी वीकेंड बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एक माइक्रोवेव सेफ बर्तन ले लो जिसमें आपने इसे बेक करना है। सबसे पहले मैं इसे बटर पेपर के साथ लाइन कर रही हूँ। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये स्टेप, आप सिंपल ऑयल या बटर के साथ इसे ग्रीस कर सकते हो, पर मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपको इसको प्रॉपर डीमोल्ड करके दिखाऊंगी, एजेस मेरी बिल्कुल क्लीन निकल आए इसके लिए। और थोड़ा सा पेपर देखो मैंने साइड से बड़ा रखा है कि आराम से मैं इसको पुल कर सकूँ। ठीक, अब हल्का सा आपने इसे हल्का सा ऑयल लगा लो या बटर लगा लो, कोई भी चीज़ अंदर इस तरीके से लगा लो आराम से। और ये वाला जो स्टेप है ना, बिल्कुल अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ऐसा नहीं कि बटर पेपर नहीं होगा तो आप ब्राउनी नहीं बनाओगे, किसी भी बर्तन में बना लो, बस माइक्रोवेव सेफ बर्तन होना चाहिए। ठीक है, प्रेफर करना कि ग्लास का हो, कोई बोल हो, कोई गोल वाले जो बोल होते हैं उसमें भी बना सकते हो, यार टेस्ट तो मतलब गजब है। अब अगर आपको प्रॉपर स्क्वायर पीसेस चाहिए तो ऐसा कोई बर्तन ले लेना। चलो अब मैंने दूसरा बर्तन ले लिया है, ये भी माइक्रोवेव सेफ है। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच चॉकलेट। तो ये कंपाउंड चॉकलेट है मेरे पास, डार्क वाली, 4 बड़े चम्मच। मैंने इसको वेक करके लिया है, सबको मैंने सारी चीज़ें मेजर करके ली हुई हैं, ध्यान रखना 60 ग्राम्स चॉकलेट है। इसमें डालेंगे हम बटर, ये सॉल्टेड वाला जो अमूल बटर होता है वही यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें 2 बड़े चम्मच 40 ग्राम के करीब बटर है। अच्छा, वेट में ना अगर 1-1/2 ग्राम इधर भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं है, कम हो या ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों को मैंने माइक्रोवेव कर लिया है 30 सेकेंड्स के लिए, और 30 सेकेंड्स के बाद देखो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगा। जिसको मिक्स करते जाओ अच्छे से, बिल्कुल आपकी बटर और चॉकलेट अच्छे से बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाएगी, एक बढ़िया सा आपके पास मिक्सचर मिल जाएगा। और जो ये बटर था ना, ये सॉल्टेड वाला था, तो इसलिए हमें अलग से ब्राउनी में सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अनसॉल्टेड यूज़ करते हो तो 1 चुटकी नमक डाल लेना। ठीक, और जब ये ठंडा चलाते चलाते आपका ठंडा भी हो गया, उसके बाद भी मैं ऐड कर रही हूँ 7 बड़े चम्मच 7 टेबल स्पून मैदा। देखो मैंने किस तरीके से लेवल करके मैदा ली है। वेट में अगर देखोगे तो ये अराउंड 65 ग्राम्स है। मैंने बोला ना 1-2 ग्राम इधर उधर हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। अब मैंने ले ली है चीनी, तो ये मैं ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच और 1/2 चम्मच। ठीक है, यानी कि 3.5 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर मैंने ले ली है। वेट में 40 ग्राम है। इसमें डालेंगे हम 5 बड़े चम्मच दूध। तो सारी चीजें देखो मैं मेजर करके ले रही हूं। ये चम्मच है ना, जो टेबल स्पून होता है मेजरिंग स्पून में, इसमें 15 ग्राम आता है, जो इसका नॉर्मल मेजरमेंट होता है। आप जिससे दाल चावल भी खाते हो ना, वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है तो आप उससे भी मेजर करके डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये नहीं तो आप ले नहीं सकते हो। सारी चीज़ों को कर लिया है अच्छे से मिक्स। कैन यू बिलीव, बस इसमें इतनी ही चीज़ें जाती हैं और आपकी ब्राउनी का मिक्सचर हो गया है बिल्कुल रेडी। बस फटाफट से आपने इसमें कर लेना है डीकेंड, तो जिसमें आप बेक करने वाले हो। वैसे तो मैं जिस बर्तन मैंने बनाया है ना, मैं इसमें भी बेक कर सकती हूँ। अगर मुझे ऐसे ही खाना होता ना तो मैं इसी में बेक कर लेती, लेकिन मुझे आपको प्रॉपर पीसेस में से निकाल के दिखाना है, प्रॉपर पीसेस में से कट करना है, इसलिए मैंने इसको डीकेंड कर लिया है इसमें, जिसमें मैं प्रॉपर स्क्वायर पीसेस निकाल सकूँ। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ इस तरीके से, चॉकलेट को चॉप करके डाल लो, या फिर चॉको चिप्स हो आपके पास वो डाल लो, कुछ भी डाल लो। इसमें आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, जैसे जो डेरी मिल्क की आती है, बस नट्स नहीं होने चाहिए, नॉर्मल चॉकलेट हो आप उसके साथ ही बना सकते हैं। और इसे आपको माइक्रोवेव करना है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, कोई कन्वेक्शन मोड नहीं है, सिंपल माइक्रोवेव जिसमें आप अपना खाना गर्म करते हो, बस उसी मोड में आपने इसे चलाना है, कोई प्री हीट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो मैंने माइक्रोवेव में 2 मिनट का टाइमर लगा दिया है, और 2 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल ये 2 मिनट में माइक्रोवेव में आपकी ब्राउनी बिल्कुल बढ़िया बेक हो गई है। देखो खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, और ये देखो दिख रहा है, बिल्कुल मैंने इसे टूथपिक डाल के चेक भी कर लिया है, बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुकी है हमारी, बन गई है बिल्कुल। अब ठंडी हो जाएगी तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, क्योंकि गर्म गर्म में डीमोल्ड करोगे तो टूट सकती है, बस और कुछ नहीं होगा। लेकिन ब्राउनी खाने का मज़ा जो है ना, वो गर्म गर्म में ही है। मैं आपको सच बताऊँ, इसे आप खाने से पहले ना ठंडी भले हो जाए, जब आप इसे सर्व करो ना तो एक बार माइक्रोवेव ज़रूर कर लेना 5 या 10 सेकेंड के लिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब गर्म गर्म जब
होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपने कोई अगर आप आइसक्रीम के साथ सर्व करो तो और भी मज़े आ जाएंगे। तो इसे ज़रूर से ट्राई करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। और कैन यू बिलीव, ये इतनी ज़्यादा देखने में देखो कितनी बढ़िया परफेक्ट ब्राउनी लग रही है, इसे ज़रूर से ट्राई करना। इसमें आपको कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं डालना है, ये बिल्कुल अंदर से एक फजी ब्राउनी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको थोड़ी केकी ब्राउनी बनानी है, थोड़ी सी केक जैसी होती है ना वैसी बनानी है, तो बिल्कुल आप इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हो, वरना इसको ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है। तो इसे ज़रूर से बनाओ, खाओ, एंजॉय करो, और रेसिपी को सेव करना बिल्कुल मत भूलना, इसे आप बार बार बना करके खाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।